इसी पर्पस में हमें मम्मी को लेकर आना पड़ा, बहुत लाइन था। लेकिन मम्मी का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है धीरे धीरे। मम्मी अभी कैसा है? ठीक है अभी? मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज फाइनली हम लोग जाने वाला है गुलमर्ग। जो भी कश्मीर आता है घूमने के लिए उनका तो एक रहता ही है कि गुलमर्ग जरूर जाना है। तो हाँ, फिलहाल आज हम लोग का प्लान हो गया गुलमर्ग जाने का। कल मेरा प्लान था जाने का, लेकिन आपको ही पता है कल मुझे गंडोला का टिकट नहीं मिला, इसलिए हम चले गए थे दूध पत्री। और आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं गुलमर्ग, और मैंने गंडोला का टिकट भी निकाल लिया है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप भी ये गंडोला राइड बुक कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस एक बार में आप 5 ही मेंबर का बुक कर सकते हो। और एक बात याद रखना, जो भी नाम उसमें डालोगे ना, जिस भी अपने फैमिली मेंबर का जो भी वैलिड आईडी कार्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग नाम डालना, क्योंकि वहां पे जब आप जाओगे वो टिकट दिखाओगे, वो ई टिकट है, जैसे मूवी टिकट होता है ना बारकोड के साथ, तो वैसे ही आपके फोन में आ जाएगा, आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो जो पर्सन जा रहा है उनका वो आईडी कार्ड भी वो देखेंगे, तो आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग ही आप अपना नाम डालना। फिलहाल मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाके देख लेना आप लोग। अभी एक काम करते हैं, जाते हैं फटाफट नीचे, गाड़ी अपनी ऑलरेडी आ चुकी है। वैसे देख लो, हम लोग का ये रूम था, काफी बढ़िया रूम था, लेकिन सर्विस जीरो था भाई। सर्विस को लेकर क्या ही कहना, कुछ सर्विस था ही नहीं। बाकी हाँ, लोकेशन काफी अच्छा था जैसे कि मैंने बताया आपको। और देख रहा, हमारे रूम से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, और क्या चाहिए बताओ। बस इसीलिए हम लोगों ने रूम बुक किया था, और कोई रीजन नहीं था इस होटल को बुक करने का। ये अपनी ट्रैवलर आ चुकी है, सभी अंदर बैठ चुके हैं। अभी आपको एक कमाल की चीज दिखाऊं, ये देखो। ये जो देख रहे हो ना, ये बर्फ है, बर्फ। ओ भाई, और ऐसा है ना, देखो ऐसा ऐसा करने से ना पिघल भी नहीं रहा है, ये पूरा बर्फ जमा हुआ है यार। यहाँ तो स्कूटी स्टार्ट ही ना हो। यहाँ पे तो किसी बंदे ने मस्त देख लो कश्मीरी लिखा हुआ है। मैं भी लिख देता हूँ कश्मीरी मोहित। मोहित सिंह, SIN GH सिंह। कश्मीरी मोहित सिंह। और ये सुबह सुबह डल लेक का नजारा देख लो। वैसे एक और बात, अगर आप गुलमर्ग के लिए निकल रहे हो ना, तो दो तीन चीज का ध्यान रखना। पहला बात तो भाई, अच्छे से लेयरिंग कर लेना, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा ठंडा होता है। और दूसरा सबसे मेन बात, अगर वहाँ आप जा रहे हो गुलमर्ग, तो गुलमर्ग का जो सबसे मेन अट्रैक्शन है वो गंडोला राइड है, तो आपको वहाँ के लिए ऑनलाइन टिकट करना होगा। आप वहाँ के भरोसे मत जाना, वहाँ पे ब्लैक वगैरह में शायद मिलता है, मेरे को पता नहीं है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि आप टिकट अपना खुद से कर लो। टिकट जहाँ से आप करोगे, मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है JNK टूरिज्म का, वहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हो गंडोला का। और एक बात है, गंडोला टिकट बुक करने के लिए भी ना आपका दो फेस होता है, एक फेस 1 फेस 2। तो हम लोगों ने फेस 1 का लिया है, फेस 2 का हमें मिला ही नहीं। आप डेट्स भी चेक कर लेना, अगर आप आ रहे हो तो 20-25 दिन पहले ही बुक कर लो फेस 1 फेस 2, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। जैसे हमको फेस 1 का टिकट मिला, फिर फेस 2 का नेक्स्ट डे का मेरे को मिल रहा है, लेकिन आज का नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग फेस 2 नहीं जा पाएंगे। तो हाँ, फेस 1 तक आपको गंडोला राइड करके दिखाएंगे। चलो जी, अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से गुलमर्ग के लिए। वैसे तो यहाँ से दिखा रहा है लगभग 1.5 से 2 घंटे के आसपास लगेगा। ये देख लो भाई, बाहर के नजारे। ये ले लिया अभी हम लोगों ने एक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, चाय कॉफी ब्रेक। एक्चुअली ब्रेक नहीं लेना था हमें, लेकिन ऑन द वे देख लो मैं अपना एडिटिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि आज तो सारा दिन बाहर लगने वाला है हमें, तो टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए एडिटिंग अभी डन हो चुका है अपना। ये मस्त अभी कॉफी पियेंगे, पार्ले जी बिस्किट, यही होगा अपना आज का ब्रेकफास्ट अभी के लिए फिलहाल। हाँ जी, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं गुलमर्ग के लिए यहाँ से। और कितना देर है राजू भैया? 1 घंटा और जा रहे हैं। रोड में अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तब आपको दिखाएंगे। क्या लगता है, कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा ऑन द वे, कुछ बढ़िया दिखेगा? आगे नेक्स्ट स्टॉप आएगा टनमर्ग में। टनमर्ग में ना, ओके ओके, गुलमर्ग से 12 किलोमीटर नीचे। एक्चुअली जो टनमर्ग है ना, अगर आप गुलमर्ग जा रहे हो तो टनमर्ग उससे पहले आता है 12 किलोमीटर पहले, जैसे कि भैया ने बताया। वहाँ पे जब ज्यादा स्नो रहता है ना, तो वहाँ से आपको चैन वाली गाड़ी लेनी पड़ती है। जिस कार से आप जा रहे हो उसको वहाँ पे छोड़ना पड़ता है, और वहाँ से हायर करना पड़ता है चैन वाली कार। लेकिन अभी तो स्नो ऐसा है नहीं, तो हमें नहीं लगता कि लेना पड़ेगा। हम तो डायरेक्ट गुलमर्ग तक जाएंगे, फिर हमारा लाइक गंडोला राइड भी है। तो ये ना स्लॉट में आता है, टोटल 3 स्लॉट है, एक सुबह का है, दोपहर का है, एक इवनिंग का है। तो ये टोटल 3 स्लॉट है, तो हम लोगों ने दोपहर वाले, मतलब 1 बजे वाले स्लॉट में लिया है। देखो जाते हैं बाकी का इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच के। लो जी, फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टनमर्ग, और यही जगह की मैं बात बोल रहा था ना आपको। अगर बहुत ज़्यादा स्नो रहता है ना, मुझे सामने की तरफ दिख भी रहा है स्नो कैप माउंटेन्स। तो देख लो, ये म्यूनसिपल कमेटी का ये 75 रुपीज का चार्जेस है,
अगर आ रहे हो आप अपना व्हीकल लेकर, तो ये जैसे ट्रैवलर है इसलिए हमारा 75 लगा, छोटी कार होगी तो मे बी 50 लगे शायद। अभी जा रहे हैं हम लोग स्ट्रेट यहाँ से, और 12 किलोमीटर रह गया गुलमर्ग। हाँ जी, तो देख लो अभी हम लोग निकले थे गुलमर्ग के लिए, और अभी गुलमर्ग से पहले टनमर्ग में हम लोगों ने एक ब्रेक लिया है जहाँ से आपको शूज वगैरह लेना पड़ेगा। देखो मेरे को ऐसा लगता है ना, अगर आप अच्छे शूज एंड जैकेट लेकर आओगे ना तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हाँ, आप शूज ले लो, जैकेट मैं बोलूंगा अच्छा पहन के आओ, जैकेट नहीं लो, शूज ले सकते हो। कैसा लग रहा है गुलमर्ग आके? अभी पहुंचे नहीं है प्रॉपर गुलमर्ग। हाँ, इसका हेडेक हो रहा है, प्रॉपर चाय नहीं मिल रहा है ना, तो अभी तक हमें ना कश्मीर में अच्छा चाय नहीं मिला। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुलमर्ग, और अभी देखते हैं यहाँ से घोड़ा गाड़ी या फिर बाइक कार, हम लोग को जाना है गंडोला क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। कैसे आप जा सकते हैं क्योंकि ये पार्किंग है, देख लो यहाँ पे आपको आपकी कार ड्रॉप कर देगी, फिर यहाँ से आगे आपको जाना है। इस सामने की तरफ देख लो आइस केप माउंटेन भी दिख रहा है। हाँ जी, तो देख लो अभी हम लोग ऊपर गंडोला तक जाने के लिए ना ये कार हायर किया है 2500 रुपए में। वैसे देख लो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गंडोला के पास, ये जो पीछे देख रहे हो ना यही है। एक हम लोगों ने जो सुमो लिया था वो 2500 रुपीस करके पड़ा, जो हमें ड्रॉप किया फिर हमें पिकअप भी करेगा। अदरवाइज इसके अलावा घोड़ा का भी ऑप्शन है, वो अप एंड डाउन 1200 रुपया बोल रहा था, लेकिन मेरे को लगता है 700-600 में ही मान जाएंगे। ये देख लो जी, गुलमर्ग गंडोला, JNK स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन, जाते हैं यहाँ से, एग्जिट है, एंट्री वहां से। वैसे आप वीडियो पॉज करके ना देख सकते हो, टूरिज्म कश्मीर इनका एक अप्रूव्ड रेट्स है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। चलो जी, ये गुलमर्ग गंडोला का बोर्ड दिख चुका है हमें, गुलमर्ग गंडोला वेलकम्स यू, चलते हैं। तो देख लो जी, फाइनली यही है एंट्री गेट, और ऐसा कुछ टिकट आ जाएगा आपके फोन में अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो, तो ऑनलाइन ही बुक करके आना, नहीं तो मिलेगा भी नहीं आपको। और एक सबसे मेन चीज है, देख लो, अगर आपको अस्थमा या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो अवॉइड करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे होगा आपका टिकट चेक। लेकिन एक चीज काफी अच्छा लगा, जितने भी यहाँ पे आर्मी वाले थे, मम्मी को देख लो वहाँ पे उन्होंने बैठा दिया है। हाँ, जैसे कोई बच्चों के साथ है, जो एजेड पर्सन है, फिर कोई हैंडीकैप है, तो उनके लिए अच्छा सुविधा है। बाकी अपना लाइन जैसे ही आएगा फिर ज्वाइन करते हैं। मम्मी कैसा लग रहा है बैठ के? नंबर भी आ गया अपना, फटाफट नंबर आ गया अपना। देख लो जी, टिकट चेक होने के बाद हम लोग ऊपर आ गए, और ऊपर से एक और लाइन हमें मिल चुका है यहाँ पे। चलो जी, फाइनली अपना नंबर आ चुका है, ज्यादा टाइम नहीं लगा, सच बता रहे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो यही है कुछ, देख लो यहाँ का गंडोला, अभी रिसेंटली हम लोगों ने दार्जिलिंग में भी लिया था और गैंगटॉक में भी लिया था, उससे थोड़ा अच्छा लग रहा है ना ये। हाँ, ये रुकता नहीं है, सबसे बड़ा बात ये है। तो ऐसा ही है कुछ, देख लो गंडोला राइड अपना, और टोटल 6 लोग करके बैठे हैं इसमें। वैसे मैं बता दूं, ये जो गंडोला राइड है ना लगभग 2.5 किलोमीटर का है। कैसा लग रहा है ऊपर से कश्मीर? अच्छा लग रहा है, थोड़ा और स्नो होता तो मजा आ जाता ना, लेकिन मिलेगा ऊपर स्नो मिलेगा हमको, यहीं से पता चल रहा है। ओ भाई, ये जो झटका मार रहा है ना, बहुत डरावना लग रहा है। क्या एंजल? अच्छा लग रहा है। एंजल का फर्स्ट है ना गंडोला एक्सपीरियंस, तुम दार्जिलिंग में नहीं गई थी ना? नहीं। मम्मी को थोड़ा तकलीफ हुआ ऊपर नीचे करने में, क्योंकि मेरा उम्र भी तो हो गया ना करने में, लेकिन ठीक है, वो इतना परेशानी वर्थ रहा ना। यहाँ पे अपना बांग्ला ब्लॉगिंग भी चल रहा है, नजारे तो भाई साहब जितना तारीफ करो उतना कम है। तो चलो थोड़ा बाहर का भी आपको शॉर्ट सब दिखाते हैं। खुलेगा खुलेगा खुलेगा, वेलकम टू गुलमर्ग, आराम से आराम से। देख लो जी, ये फर्स्ट लुक है गुलमर्ग के फेस 1 का, फेस 2 तक का हमें टिकट नहीं मिला, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे दोनों फेस का टिकट कटवा कर। और ये रेस्टोरेंट का माल का लग रहा है यार। चलो अभी काम करते हैं, धीरे धीरे नीचे जाते हैं। ऑलराइट, तो देख लो फर्स्ट फेस में आते ही ना यहाँ पे कोला होई बोल के रेस्टोरेंट था, यहीं पे आ गए क्योंकि मम्मी ऊपर नीचे करके काफी थक गई थी, तो बाकी सब कोई चले गए हैं मतलब हॉर्स राइड लेके ऊपर की तरफ, बट हम बोले कि नहीं चलो मम्मी को अकेले यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। एक्चुअली मम्मी बोल रही है ना, मम्मी का थोड़ा सर में चक्कर आ रहा है ना, थोड़ा वोमिट वोमिट भी फील हो रहा है। मैं बोला काम करो तब कुछ खाओ मत, अभी नमक नींबू पानी मांग रहे हम लोग, अगर मिल जाए तो अच्छा है। और अदरवाइज देख लो, ये कांटी चिकन आ गया है, कांटी चिकन,
ये कुछ कश्मीरी डिश है, साथ में ये नान के साथ ही आता है। अगर आप गुलमर्ग के इस रेस्टोरेंट में आते हो ना तो ये इनका कांटी चिकन जरूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया है ये। पुलाव के साथ भी अच्छा लगेगा, नान के साथ भी अच्छा लगेगा, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना। बाकी मम्मी अभी ठीक है, मम्मी का एक बार वोमिट भी हो गया है। अभी तो देख लो ये पूरा बंजर जमीन बना हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है करने के लिए, लेकिन फेज टू में आपको अच्छे से स्नो मिल जाएगा। तो वहाँ ऊपर तक है देखो, तो आप भी अगर आ रहे हो तो ट्राई करना, फेज टू तक का टिकट ले लो। देखो ये सब जो रेड वाले है ना, ये सारे फेज टू के लिए है। यार मूड ऑफ हो गया, बैड लक हो गया थोड़ा, बाकी ठीक है देख लो। बट वो भी बाई लक मिलेगा कि नहीं वो भी एक है, खास वो रेड वाले में हम भी होते हैं। यहाँ तो एक चीज अच्छी है कि नेटवर्क वगैरह काम कर रहा है। बाकी आर्यन एंजल लोग गया है घोड़ा से, वो वहाँ तक ले जाते हैं, बर्फ दिखाते हैं थोड़ा बहुत, तो हाँ वो लोग वहाँ तक गया है। अदरवाइज ठीक है देख लो हम यही। मेरा तो बहुत मन था फेज टू जाने का, मैं गुलमर्ग आया ही था गंडोला राइड के लिए। चलो ठीक है, ऊपर आपको स्नो मिलेगा, वहाँ पे आप स्की वगैरह स्लेज वगैरह कर सकते हो। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अगर स्की स्लैश वगैरह करना है तो मे बी फेज टू में हो रहा हूँ। आप लोग इधर आ रहे हो, अगर आपको फेज टू तक नहीं जा सकते आप क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला है, तो फिर यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे घोड़े वाले जो बोलते हैं स्नो दिखाएंगे। तो कहाँ तक कैसे क्या होता है सीन? 15 से 20 मिनट लगा होगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि घोड़ा का जो जाने का रास्ता है वो डेंजर है। हाँ डेंजर है, मतलब पूरा बड़ा बड़ा पत्थर वगैरह सब। और वहाँ जाने के बाद अभी जो करेंट का जो सिचुएशन था कि जो भी वो बर्फ वगैरह था काफी हार्ड था। अच्छा वो पुराना बर्फ था, मतलब पुराना बर्फ था। और हाँ थोड़ा सा अगर आप वहाँ पे रनिंग टाइप का या थोड़ा स्पीड चल लेते हो ना, आपका सांस फूलने लगेगा। हाँ, वो थोड़ा हाई एल्टीट्यूड के वजह से। उसका नॉर्मल अगर है तो उसके बाद तो वहाँ का अभी जो वेदर है इतना गर्मी लगने लगा कि मेरा तो सर जैकेट सब ओपन हो गया था, टी शर्ट पे ही मैं था। तो वैसे घोड़े वाले ने कितना लिया था? घोड़े वाले ने पर हेड 500 लिया, अप एंड डाउन। तो क्या वर्थ लगा आपको कि नहीं लगा? घोड़ा वाला वर्थ लगा। ये तो आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में वो रेट थोड़ा ज्यादा बोले थे, बट बार्गेनिंग करने के बाद हम लोग 5 जन थे तो 500 करके पर हेड पड़ा था। अच्छा बहुत अच्छा। और एक बात, उतरते टाइम आप जब घोड़ा से उतर रहे हो भाई साहब बहुत डर लग रहा है। ऐसा हो रहा है कि अगर आप अपना बॉडी को सही से बैलेंस नहीं किए ना, आप आगे की तरफ गिर जाओगे। तो देख लो इस चीज का ध्यान रखना अगर आप आ रहे हो। अगर वहाँ बर्फ देखने नहीं जा पाए, अगर फेस वन में बर्फ नहीं है तो घोड़ा लेकर आप जा सकते हो 500 रुपया देकर। एक्चुअली हम लोग तो आए थे पैन तक ही, चलो ठीक है आसपास का कुछ जो होगा दिखाएंगे। वैसे सब जाने वाले थे लेकिन इमरजेंसी पर्पस में हमें मम्मी को लेकर आना पड़ा, बहुत लाइन था। लेकिन मम्मी का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है, धीरे धीरे चढ़ाई में भी सीढ़ी उड़ी चढ़ना पड़ रहा है ना, सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए हम लोग फटाफट लेकर आ गए मम्मी को। बाकी सब पीछे से आ रहे हैं अभी क्योंकि मम्मी थी इसलिए फटाफट हमें छोड़ दिया। एक बात काफी अच्छा लगा, जो भी स्टाफ थे यहाँ के काफी जल्दी सारा काम करवा दिया। जो भी बोले यहाँ के स्टाफ अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, कश्मीरी लोग वाकई में अच्छे होते हैं। दिखाना तो बहुत कुछ था लेकिन मम्मी को अकेले छोड़ के जा भी नहीं सकते थे ना। बोले लवली तुम चले जाओ, मैं नहीं जा रहा, मम्मी नहीं जा रहे थे। लवली बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर घूम लेंगे। हाँ जी, तो अभी आप लोग को एक बात बता दूं, हम लोग तो अभी आ गए हैं, बाकी फैमिली मेंबर दूसरे कार से आ रहे हैं। मैं बता दूं अगर आप इधर आ रहे हो आप वॉक करके भी जा सकते हो, मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 किलोमीटर है वॉकिंग, और रोड भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप जा सकते हो, घोड़े से भी जा सकते हो, बाइक कार तभी जाना जब आपके साथ कोई एजेड पर्सन हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अपने लोग जैसे कोई जरूरत नहीं, हम लोग वॉकिंग से भी जा सकते हैं। जैसे यंग लोगों तो कोई जरूरत नहीं है, अगर एजेड पर्सन है साथ में तब कोई कार हायर कर लो। आप बार्गेनिंग करोगे तो 1500 से 2000 तक में भी हो जाएगा बुक। देख लो ऐसा कुछ पार्किंग है यहाँ, जब भी आप उतरोगे ये जो बक्सी रेस्टोरेंट है ठीक है यहीं पे अपना पार्किंग है। वो जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो ना वो मेन चौराहा हो गया, जो बोलते हैं ना मेन जो चौरस्ता जिसको बोलते हैं, वहां से आपको लेफ्ट मतलब स्ट्रेट निकलना है, वही है मेन रास्ता। वैसे सभी कोई आ गए हैं देख लो, सब फाइनली पहुंच गए। अपने राजू भैया अभी सबके लिए बना रहे चाय, लेकिन इनका गैस में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, ठंडा के वजह से जम गया है ना। कैसे पीते हो आप लोग, तेज या नॉर्मल? मीडियम मीडियम सब कुछ मीडियम। एक चीज आप नोटिस करो, हमारा जो चाय है ना कुकर में बन रहा है, ये सही है। बाकी यहाँ पे भैया सारा जुगाड़ लेकर चलते हैं, अपना खाना बनाने का बर्तन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये अपना चाय भी आ गया है अपने सामने बनते हुए, वो भी अपने जिस ट्रैवलर से हम लोग आए उसी में बना है ये। और ये जो माहौल भी है यहाँ का, हालांकि गुलमर्ग जाके तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया क्योंकि मम्मी का थोड़ा तबीयत डाउन हो गया, इसलिए मम्मी को मैंने बैठा दिया अंदर कि आराम से तुम बैठो अभी रेस्ट करो, होटल भी जाके रेस्ट ही करना है मम्मी को। एग्जैक्टली यार इतने दिनों बाद ढंग का कोई चाय मिला है हमें, नहीं तो भाई वो जो चाय मिल रहा था ना वो पानी वाला चाय। एक्चुअली भैया के पास छन्नी नहीं है तो ऐसे ही सब कुछ आ रहा है, मुंह में चाय पत्ती भी आ जा रहा है, लेकिन चलेगा एडजस्ट कर लेंगे। वैसे तो मुझे 2-3 जगह और भी जाना था घूमने के लिए, मम्मी बोल रही है कि काम कर बेटा मेरे को गाड़ी में बैठा दे तुम लोग जाके घूम ले,
बोला नहीं मम्मी एक काम करते हैं, चलो घूमना है क्या है यार, फिर कभी आ जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं किसी एक जगह में बस एक ही बार आता हूँ। कश्मीर ये मेरा पहला ट्रिप है, अभी कितना बार होगा मेरे को भी आइडिया नहीं है, बस किसी एक जगह में जाने का देर ही रहता है। कोई नहीं, अभी चलो नहीं घूम पाया अच्छे से गुलमर्ग, लेकिन मैं लिख के देता हूँ आपको और ये वादा है मेरा कि अच्छे से एक बार आएंगे, प्रॉपर अच्छे से सब कुछ कवर करेंगे। मम्मी अभी कैसा है? ठीक है अभी। जी तो फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं मापे थी हट्टी में कुछ खाने के लिए, क्योंकि मम्मी अभी थोड़ा बेटर फील कर रही थी, कुछ खाई नहीं थी। जो खाई थी ना मम्मी का, मैंने बताया आपको, वोमिट हो गया तो सारा खाना निकल गया। पहले काम करते हैं, जो हम लोगों ने ऑर्डर किया वो जब आ जाता है तब आपको दिखाते हैं। लो जी ये पापे थी हट्टी की आ गई है तंदूरी चिकन, अब इसको खाते हैं भाई, देखकर बहुत बढ़िया लग रहा है, ऊपर से चाट मसाला इन्होंने छिड़क रखा है। हाँ जी तो अभी जस्ट हम लोग अपने होटल रूम पहुंचे हैं, अभी वापस से अभी हम लोग श्रीनगर आ गए। प्लान तो था वैसे टनमर्ग में या फिर कहीं और रुकने का, लेकिन नहीं, हम बोले नहीं चलो अभी प्रॉपर सिटी में भी रुकते हैं। और बैकग्राउंड से आइडिया लग गया होगा आपको कि हमारा होटल अभी चेंज हो चुका है, पहले तो एकदम हम लोग दल लेक के पास में थे, अभी हम लोगों ने ये वाला होटल ले लिया है। इसके बारे में आपको बाद में डिटेल में अच्छे से बता देंगे कल वाले ब्लॉग में, ये होटल कहाँ है, लोकेशन कहाँ है इसका। वैसे होटल हमें काफी अच्छा लगा, हमें ये होटल जो है ना 2000 रुपए में मिल गया, 2000 रुपए के हिसाब से ना मुझे ये होटल ठीक लगा इसलिए मैंने ले लिया। फिर भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो यहाँ से जैसे ही आप एंटर करते हो देख लो कुछ ऐसा है अपना बेड, सबसे बढ़िया बात इलेक्ट्रिक बेड है इसमें। मम्मी और लवली दोनों ही वही बैठी है। मम्मी कैसा है अभी तबीयत? ठीक है ना? हमको पता है क्या हुआ था तुमको, वो हाई एल्टीट्यूड में ना तुमको प्रॉब्लम हो गया था। हाई एल्टीट्यूड में तो प्रॉब्लम हुआ था। हाँ जो हम मैगी कभी नहीं खाते, हाँ मैगी नहीं खाना चाहिए था। चलो भाई ये आ गया अपना जो चाहिए था। और सबसे बढ़िया बात क्या है ना, इसमें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लगा हुआ है, ये तो एक है ही, हीटर है, फिर मम्मी भी बैठी हुई है मस्त एकदम यहाँ पे, और वॉशरूम में भी एकदम हीटर वगैरह सब कुछ है, 24/7 आपको गर्म पानी मिलेगा। सर्विस जीरो। वैसे तो देख लो बाहर से अपना होटल रूम कुछ ऐसा है, टोटल देख लो ऊपर तक है, लिफ्ट वगैरह सब मिलेगा इसमें आपको। ये इनका रिसेप्शन एरिया है और यही मम्मी के लिए स्पेशली हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर में रूम लिया है, ताकि ऊपर जाने में भी तो टाइम लगता है ना, इसलिए आर्यन और एंजल का रूम वहाँ है और हमारा रूम यहाँ है। तो ये वीडियो को मैं नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी हम लोग देख लो वापस से रेडी हो गए, निकल रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, और यही है अपना होटल देख लो, होटल कोहली। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा ना आपको बाहर से अच्छे से दिखा देंगे आपको एक बार। और एक बात मैं बता दूं, ओवरऑल अपना गुलमर्ग में एक्सपीरियंस तो मतलब नॉर्मल सा रहा, क्योंकि स्नो अभी हुआ नहीं है, लेकिन अभी हमें न्यूज आ रहा है गुलमर्ग में ना भयंकर बर्फबारी हुआ है। सोच लो भाई अपना लकी खराब है, आज हो रहा है अच्छा खासा स्नो। खैर कोई नहीं, हम लोग अभी नेक्स्ट जहां जाने वाले ना शायद वहां हमें स्नो। फिलहाल यहाँ तक ये वीडियो देख ले तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय। और हाँ मम्मी एकदम ठीक है अभी, नेक्स्ट जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ मम्मी भी ज्वाइन करेगी।